एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। स्वागत आप सबका केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे। मेडियन यादव, आप लोग देख रहे हैं इनऑर्गेनिक सुपर सीरीज हाइब्रिडाइजेशन पार्ट टू। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसकी सुपर इजी ट्रिक क्या है, सुपर ट्रिक क्या है, सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है, आप कैसे भी कह लीजिए। तीन ट्रिक मैंने आप लोगों को सिखाई। हाइब्रिडाइजेशन की बेसिक थ्योरी क्या है, हाइब्रिडाइजेशन से हम क्या समझते हैं, और वेरियस कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, उनमें से एक को मैंने अप्लाई करके भी आप लोगों को दिखाया था। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू अप्लाई हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी फॉर जियोमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन को अप्लाई करना। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि वेरियस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री क्या होती है। अब यहाँ दो टर्म है, जियोमेट्री एंड शेप। जियोमेट्री आप अपनी बॉडी से समझिए, हमारी बॉडी की एक जियोमेट्री है कि लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ एक एक हाथ हैं, एक एक पैर हैं, दोनों तरफ एक एक कान और एक एक आँख है, इस तरह से है ना, ये एक जियोमेट्री है। दूसरी चीज़ होती है शेप। तो जब हम पैदा होते हैं तो बड़े स्लिम फिट पैदा होते हैं जनरली ईश्वर जो है, नेचर जो है, हमें बड़ा एकदम पर्टिकुलर बना के भेजती है। समय के साथ जियोमेट्री वही रहती है, ऐसा नहीं है एक हाथ टूट के इधर की तरफ आ जाता है बुढ़ापे में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज़ बदल जाती है, वो शेप, पेट बाहर निकल आता है ना, चेहरे पे स्वेलिंग आ जाती है, तो शेप बदलती रहती है, जियोमेट्री फिक्स रहती है। तो ये दो अलग अलग टर्म है, इन पे ध्यान देना। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन से जियोमेट्री कैसे डिफाइन करते हैं, इसे तरीका सीखते हैं। सबसे पहली बात, आप लोग जानते हो यदि आप लोग किसी एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या लिख दिया, तो हाइब्रिडाइजेशन यदि आप लोग जानते हो, तो आप लोग जानते हो एक sp होता है, एक sp2, इस तरह से, तो आप लोग जियोमेट्री भी जानते हो। ठीक, जियोमेट्री में एंगल कैसे होंगे, इसका जो है रियली ये किस तरह का दिखेगा स्पेस में, और इसके बेस्ट एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, प्योर एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों को यही दिखाता हूँ, समझाता हूँ। सबसे पहले यदि आप लोग इन चार कैटेगरीज में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट sp, यदि sp है तो आप लोगों का एक सेंट्रल एटम होगा और उस पर दो एटम जुड़े रहेंगे, और इसकी जो जियोमेट्री होगी वो होगी लीनियर। इसकी जियोमेट्री कैसी होगी, लीनियर होगी। एंगल कितने होंगे, 180 डिग्री, ऑब्वियसली आप लोगों को दिख रहा है 180 डिग्री, और बेस्ट एग्जांपल है BECL2, BEH2 कोई सा भी ले लीजिए। वेरी फर्स्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। इफ द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, तो यहाँ पे आप लोगों को जियोमेट्री मिलेगी ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री मिलने वाली है। ये जियोमेट्री होती कैसी है, एक प्लेन पे एक ट्राइंगल बना लीजिए, एक सेंट्रल आइटम को यहाँ पे लगा दीजिए, और सेंट्रल आइटम में बी ले रहा हूँ, सराउंडिंग में ए जोड़ दीजिए 120 एंगल पे, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बॉन्ड एंगल आप लोगों को दिख रहे होंगे, हर एक एंगल 120 होता है, ऐसे टोटल 120 एंगल कितने होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, और एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो BH3। ठीक, BF3, BH3 ये दोनों ही इसी के एग्जाम्पल हैं। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल। ऐसे ही आप लोगों को थर्ड हाइब्रिडाइजेशन बताता हूँ, क्लियर हो रहा होगा। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं वो एक अलग बात है। हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चलते ही, जैसे ही किसी ने कहा हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द जियोमेट्री, इट इज ट्राइगोनल प्लेनर एंड एंगल्स आर 120, देर आर 3 एटम्स बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम एट द 120 एंगल। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। sp3 में जियोमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, मतलब फेसेज, 4 फेस वाला एक जियोमेट्री होता है, सेंट्रल एटम पे 4 इस तरह से एटम्स जुड़े रहते हैं, एंड द बॉन्ड एंगल इज एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट। ऐसे कितने एंगल होते हैं, तो देखो सबसे पहले टेट्राहेड्रल जियोमेट्री को समझने की कोशिश करो। आप लोग यदि अच्छे से समझोगे तो आप लोगों को आराम से ये समझ में आ जाएगा व्हाई इट इज टेट्राहेड्रल। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मैं एक जियोमेट्री बना रहा हूँ, ये सेंट्रल एटम है, यहाँ पे ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये चारों से बारी बारी से जुड़ा हुआ है। अब इन सभी कॉर्नर्स को जब आप ज्वाइन करते हो,
तो एक जियोमेट्री बनती है जिसमें चार फेस होते हैं, देखो वन टू, एक ये नीचे वाला थ्री और एक बैक साइड वाला फोर्थ, तो चार फेस होते हैं, इसीलिए इसका नेम है टेट्राहेड्रन। 109 डिग्री 28 एंगल कितने होते हैं? देर आर सिक्स 109 डिग्री 28 एंगल। वन टू, इस ए और इस ए के बीच में थर्ड, इस ए का इसके साथ, इस ए का इसके साथ, इस ए का इसके साथ, 3 + 3 = 6, है ना। और डिटेल में बाद में देख लेंगे। एग्जाम्पल है CH4, प्योर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। प्योर एग्जाम्पल मतलब ये एग्जैक्टली इसी जियोमेट्री एंड इसी शेप के होंगे, इनमें कोई डेविएशन, कोई एक्सेप्शन, कोई ऐसा नहीं है। तीन एग्जाम्पल आप लोगों ने सीख लिए हैं, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना SP3D। जियोमेट्री होती है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पायरेमिडल। और इस जियोमेट्री का मतलब होता है एक ट्राइंगल बना लीजिए, इस ट्राइंगल पे सेंट्रल आइटम लगा लीजिए। अब इस ट्राइंगल पे वही तीन आप लोगों को अटैच्ड आइटम्स लगा देने हैं, और एक इससे जस्ट ऊपर की तरफ और एक इससे जस्ट नीचे की तरफ इस तरह से। तो दो ऊपर एवं नीचे की तरफ इस तरह से लगा देने हैं। दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड्स, इन्हें एक्सियल बॉन्ड्स कहते हैं। ये भी एक्सियल है, और ये जो आप अंदर की साइड देख रहे हो, इन तीनों को कहते हैं इक्विटोरियल, इक्विटोरियल बॉन्ड्स, इनके नेम है ये इक्विटोरियल एंड एक्सियल बॉन्ड्स। यहाँ दो तरह के एंगल होते हैं ट्राइंगल में, आप लोग भी समझते हो। ट्राइंगल के एंगल सभी के सभी 120 डिग्री होंगे, जबकि ट्राइंगल एंड ये यहाँ पे आप लोग भी जानते हो कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री यानी राइट एंगल होगा। तो यहाँ पे दो तरह के एंगल होते हैं, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। अब 120 डिग्री तीन होते हैं, 90 डिग्री कितने होंगे? 1 2 3, मतलब ऊपर वाला ये जो बॉन्ड है इस ए के साथ भी, इस ए के साथ भी, इस ए के साथ भी, तो 90 एंगल होंगे 6। एग्जाम्पल है PF5। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपना SP3D के बाद नेक्स्ट ले लेते हैं SP3D2। SP3D2 में हाइब्रिडाइजेशन, यदि SP3D2 हो तो जियोमेट्री आप लोगों को मिलेगी ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री मतलब एक स्क्वायर बना लीजिए आप लोग, इस स्क्वायर पे सेंट्रल आइटम लगा दीजिए, इस सेंट्रल आइटम पे आप लोगों को लगा देने हैं 6A। दो स्क्वायर प्लेन पे, दो आउट ऑफ प्लेन ऊपर एवं नीचे की तरफ, और इस वाले में कोई एक्सियल इक्विटोरियल नहीं होते। आप लोग कहोगे क्यों, यहाँ तो आपने कहा था एक्चुअल में यहाँ सभी एंगल 90 डिग्री है, तो जिसे आप एक्सेल मान रहे हो दूसरा व्यूवर उसी को इक्विटोरियल देख रहा होगा। क्यों ऐसा, आप लोगों को बताया जाएगा, ये सब मैं बहुत डिटेल में सिखाने वाला हूँ। अभी तो आप लोग छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें। 90 डिग्री एंगल होते हैं, SF6 इसका प्योर एग्जाम्पल है। मैं यहाँ पर वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो प्योर है, जिनमें कोई एक्सेप्शनल कुछ नहीं है। नेक्स्ट है अपना SP3D3। अब इनर डी मैंने यहाँ पे नहीं लिए, DSP2, D2SP3, D3SP3 यहाँ ज़रूरत नहीं है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, हर जगह हर चीज़ को फंसाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो जियोमेट्री होती है ये होती है पेंटागोनल बाई पायरेमिडल। इस ऊपर वाली जियोमेट्री को आपने स्क्वायर बाई पायरेमिडल क्यों नहीं कहा, क्योंकि इस जियोमेट्री में यदि आप सभी कॉर्नर्स को टच करते हो तो 8 फेसेस वाली एक जियोमेट्री बनता है, जिसका ऑक्टाहेड्रल नेम ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसमें एक पेंटागन बनेगा जिसमें एंगल 72 डिग्री होंगे, ये सेंट्रल आइटम है, और इस सेंट्रल आइटम से यहाँ पे 5 आइटम जोड़ दीजिए, और इस तरह से इसमें एक्सियल बॉन्ड भी होते हैं। तो यहाँ पर सेंटर में आप लोग जो है बी लिख दीजिए, और सराउंडिंग में लिख दीजिए ए। अब यहाँ पे भी दो तरह के एंगल हैं, सिर्फ उन्हीं जियोमेट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी जिनमें दो तरह के एंगल हैं, एक तो है 90 एंगल और एक है 72 एंगल। एग्जाम्पल है प्योर IF7। प्यारे बच्चों, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप लोगों को कुल मिला के मैंने सभी हाइब्रिडाइजेशन में जिनमें आउटर डी ऑर्बिटल यूज होता है उनमें जियोमेट्री क्या होगी, एंगल क्या होंगे, मतलब स्पेस अरेंजमेंट सबका मैंने बता दिया है। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना बहुत आसान था, ये हमने पहले सीख लिया है।
अब हमें बात करनी है कि यदि हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है, जियोमेट्री हमें पता है, तो हमें अप्लाई कैसे करना है। तो वन टू वन सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, कैसे अप्लाई करना है और कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या हमें सीखना है, तो इसे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, बढ़ते हैं आगे। अब हमारा सारा गेम सेट हो चुका है। अब हम ये जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कैसे करना है, हम ये जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन कुछ होगा तो उसमें जियोमेट्री क्या होगी, एंगल क्या होगा। अब तो सिर्फ खेलना है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन से। फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन नाम से ही आप लोगों को सब समझना है, वन एस ऑर्बिटल मिक्स्ड विद वन पी ऑर्बिटल टू गिव यू टू न्यू एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड द स्पेस अरेंजमेंट। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आप लोगों को एक एस वन एस ऑर्बिटल वन पी ऑर्बिटल मिक्स होके दो नए एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं। अभी जो दो नए ऑर्बिटल बने हैं इनका स्पेस अरेंजमेंट लीनियर होगा। अभी अभी आप लोगों ने जियोमेट्री में पढ़ा है, आप छोटे वाले लोब को हमेशा नेगलेक्ट करेंगे, बड़े वाले लोब को रिप्रेजेंट करेंगे। ये सेंट्रल एटम है, ये एक एसपी है, ये दूसरा एसपी है, ठीक। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, वेरी फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, BeCl2 BeH2 मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुका हूँ। बेरिलियम सेंट्रल एटम है, तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। सबसे पहले तो आप एक काम करिए, जब भी कोई मॉलिक्यूल मिले, काम कैसे करना वो समझाता हूँ। सबसे पहले उस मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर बना लीजिए या फिर कैलकुलेशन मेथड निकाल लीजिए, जो आपका मन करे, जिसके लिए आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन। जनरली हम सेंट्रल एटम का फाइंड आउट करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करिए। सेंट्रल एटम में सिग्मा बॉन्ड की सम आएगी 2, ये मैंने सिखा रखा है। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के 3 मेथड आप लोगों को सिखाए थे, तो कोई सा ना कोई जो आपको पसंद आए वो अप्लाई कर लेना। सबसे पहले सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करिए ताकि आप जियोमेट्री डिसाइड कर सकें। अब बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स की कहानी भी समझ में आए। 2s2 2p0 होता है, एस का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर पी में चला जाता है। यहाँ पे दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब बेरिलियम दो अनपेड इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नियोन 3s2 3p5, और ऑब्वियसली इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये भी चाहता है एक बॉन्ड बने। बेरिलियम पे दो क्लोरीन जोड़ने हैं तो ऑब्वियसली बेरिलियम सेंट्रल एटम होगा। अब बेरिलियम पे ध्यान से देखना, बेरिलियम पे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, एसपी हाइब्रिडाइजेशन था, तो बेरिलियम पे दो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और ये दोनों के दोनों एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 180 एंगल पे पहले से ही सिस्टमेटिकली अरेंज्ड हैं, ठीक। अब इस बेरिलियम पे दो क्लोरीन बॉन्ड बनाने के लिए आएंगे। क्लोरीन पे जब आप जाओगे इस वाले लुईस स्ट्रक्चर में तो आप लोगों को पता है क्लोरीन पे 3 लोन पेयर 1 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब क्लोरीन sp3 है और ये क्लोरीन भी sp3 है। तो क्लोरीन का एक sp3 ऑर्बिटल, ध्यान से देखना, क्लोरीन का एक sp3 ऑर्बिटल इस sp ऑर्बिटल से बॉन्डिंग करेगा और क्लोरीन पे बचे हुए 3 टेट्राहेड्रली लोन पेयर होंगे, क्योंकि यदि sp3 है तो लोन पेयर कैसे होंगे, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होंगे। 109 डिग्री एंगल होगा या नहीं होगा ये बात तो बाद में करेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसी सेम दूसरा क्लोरीन भी ऐसे ही एक sp3 ऑर्बिटल से, अब यहाँ पे 3 लोन पेयर हैं तो आप लोग 3 लोन पेयर लगा दीजिए इस पे, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट रहता है इनका। अब आप लोगों को इतनी कहानी तो समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया, एक बेरिलियम ने, एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम ने, एक क्लोरीन ने, कुल मिला के ये एक्सियल ओवरलैपिंग से बनने वाले दो बॉन्ड हैं सिग्मा। एक्चुअल में यदि आप न्यूक्लियस वाइज देखोगे तो इट इज़ क्लोरीन न्यूक्लियस, इट इज़ बेरिलियम न्यूक्लियस एंड इट इज़ क्लोरीन न्यूक्लियस एंड द ओवरऑल जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज लीनियर हैविंग 180 एंगल, 180 एंगल, ठीक।
अब यहाँ ओवरलैपिंग कौन से टाइप की हुई, ओवरलैपिंग के लिए मैंने वीबीटी में अलग से आप लोगों को सिखाया था। आप लोग इस ऑर्बिटल को देखिए, sp3 ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल कैसा है, sp ऑर्बिटल है। ऐसे ही इसमें देखिए आप लोगों को क्या मिल जाएगा, ये है sp ऑर्बिटल, ये है sp3 ऑर्बिटल। तो मज़ेदार था, BCl तो आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर sp हाइब्रिडाइजेशन का नेक्स्ट नेक्स्ट सबसे शानदार एग्जांपल करवाता हूँ। तो स्क्रीनशॉट हो गया हो तो आगे बढ़ लेते हैं भैया। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों को बहुत बढ़िया सा एक एग्जाम्पल करवाता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है C2H2, इस कंपाउंड का नेम है एसीटाइलीन, प्यार से आप इथाइन भी कह सकते हो। वेरी फर्स्ट, जब भी कोई कंपाउंड मिले जीवन में, सबसे पहले बना दो लुइस स्ट्रक्चर। इस लुइस स्ट्रक्चर में क्लियर दिख रहा है कि इस कार्बन एटम पे, एक एक एटम को सेपरेटली देखना, इस कार्बन एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन दो सिग्मा बॉन्ड है, बचे हुए बॉन्ड पाई होते हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन सेपरेटली sp है। इसका अरेंजमेंट क्या है, इस पे भी दो सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इस पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लीजिए, हीलियम 2s2 2p2। बेसिकली कार्बन पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके p में चला जाता है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, देर आर फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स ईच कार्बन कैन फॉर्म फोर बॉन्ड्स। अब देखिए, हाइड्रोजन का कोई हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं है, तो एक एक कार्बन को ले चलते हैं। यदि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर अरेंजमेंट होगा। तो पहले ये वाला कार्बन बना लीजिए, इस कार्बन पे दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लीजिए। यदि आप लोग देख पा रहे होंगे तो मैंने इस पे दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिए हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स शुरू में मत बनाइए। अब दूसरा कार्बन ले आइए, सेम एक्सिस पे दूसरे कार्बन के क्या करिए, दूसरे कार्बन का भी एक sp ऑर्बिटल ले आइए। इन दोनों को मिला के यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर कर दिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बन गया है, सिग्मा बॉन्ड बन गया है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, टू इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का। ऐसे ही यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम सेम एक्सिस पे आएगा और दो इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। ऐसे ही यदि आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन एटम आएगा और यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। कुल मिला के इस एक्सिस पे पूरी, इस जेड एक्सिस मान लेते हैं इसको, इट इज जेड एक्सिस मैं मान रहा हूँ, आप लोग भी कुछ भी कोई भी एक्सिस मान सकते हो जो आपका मन करे, इट इज जेड एक्सिस। एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ ओवरलैपिंग, इट इज sp-sp ओवरलैपिंग, इट इज s-sp ओवरलैपिंग, जैसा ऑर्बिटल वैसा नेम, इट इज sp-s ओवरलैपिंग। लेकिन इस कार्बन पे देखें तो इसका एक s और एक p, ये तो हाइब्रिडाइजेशन जब हो रहा था तो ये जाग रहे थे, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया। अब ये दो ऑर्बिटल जो हैं, ये अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल हैं, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स। अब इन पे क्या प्रॉब्लम है, बेरिलियम में तो क्या, जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स थे वो वैकेंट थे, लेकिन यहाँ पे अनपेड पाई अनपेड जो पी इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी ऑर्बिटल्स हैं, इनमें एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनकी भी जिम्मेदारी बनती है इन्हें बॉन्ड बनाना है। लेकिन ये सो रहे थे जब हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था, जैसे हमारे में से जब चैप्टर शुरू होता है तो सब सो रहे होते हैं, और किसी दिन टेस्ट आता है तो अचानक से ज़्यादातर लोग जागते हैं, 5-7-10% बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शुरू से जाग रहे होते हैं। तो जो शुरू से जागता है वो कॉन्सेप्ट डेवलप करता है, और जो लास्ट में जागता है वो चार ट्रिक देखता है, यूट्यूब पे ट्रिक फाइंड आउट कर रहा है, वो टीचर से पूछ रहा है इंपॉर्टेंट बता दो सर, जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट बता दो, आप तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता दो। तो वो लास्ट में जागते हैं, और लास्ट में जागने वाले जो हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये कि वो कॉन्सेप्ट पे काम ही नहीं करते, इसलिए सिलेक्शन की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, शुरू में ही जाग जाइए, हाइब्रिडाइजेशन जब हो रहा हो तभी पार्टिसिपेट कर लीजिए। क्योंकि हमने जेड एक्सिस पे ये बनाया है, इसका मतलब जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया वो पी जेड था, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो उसी एक्सिस के ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में यूज करें, पी जेड। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, एक बच गया पी एक्स और एक बच गया पी वाई, ये 2px और 2py, इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इनकी मजबूरी ये है कि इन्हें बॉन्ड बनाना पड़ेगा, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन वाले टाइम सो रहे थे। तो इसका जो p ऑर्बिटल है एक 2px, इसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ये अनहाइब्रिड है प्यारे बच्चों, ये कौन सा है 2px, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है
ऑब्वियसली इस कार्बन पे भी एक ऐसा ऑर्बिटल सो रहा था, सो गया ये जहां, इसमें ये इलेक्ट्रॉन सो रहा था, ये ऑर्बिटल सो रहा था। अब क्या हुआ, जब सारा जहां सो रहा था तब ये जागेंगे, क्योंकि ये जब बाकी लोग जाग रहे थे तब ये सो रहे थे, तो अब ये पार्शियल ओवरलैपिंग करेंगे। इनके पास एक ही तरीका बचा, यदि आप लोग जानते हो, हमने कल ही सीखा है, प्रीवियस क्लास में सीखा है, पार्शियल ओवरलैपिंग। ये ऐसे ओवरलैप करेंगे, इस दो जगह से पार्शियल थोड़ी थोड़ी ओवरलैपिंग होगी। कहीं आप सोचो ये दो पाई बॉन्ड बन गए हैं, बॉन्ड कितना बना, एक ही पाई बॉन्ड बना है, दो बॉन्ड मत बना देना। अब देखिए, एक पी एक्स हमेशा 2px के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, आप लोगों ने कल पढ़ा था, पार्शियल ओवरलैपिंग किन ऑर्बिटल्स के बीच में होती है। अब देखिए, मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ py, जो कि एकदम x के क्या होगा, जस्ट परपेंडिकुलर होगा। तो एक ऑर्बिटल और ले लीजिए आप लोग, एंड दिस ऑर्बिटल इज 2py हैविंग वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, एंड द 2py ऑफ दिस कार्बन ऑल्सो हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो दोनों, क्योंकि ये भी 2py है और ये भी 2py है, तो इन दोनों के बीच में भी एक पाई बॉन्ड फिर से बन जाएगा। ध्यान से देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन तो वही था, लेकिन ओवरऑल एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। यदि आप लोग इसे जियोमेट्री वाइज देखना चाहो, तो दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बने, आउट ऑफ ट्रिपल वन सिग्मा टू पाई। अब आप लोगों की ये पिक्चर भी क्लियर हो गई होगी कि दो एटम के बीच में एक ही सिग्मा क्यों बनता है, बाकी सारे पाई क्यों होते हैं। यदि ओवरऑल जियोमेट्री देखोगे तो आप लोगों को ओवरऑल जियोमेट्री कैसी मिलेगी, लीनियर मिलेगी। ये एंगल आप लोगों को नियरली 180 डिग्री मिलेंगे, ऐसे ही ये भी आप लोगों को नियरली 180 डिग्री मिलेंगे। अब इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ एक प्रॉब्लम होती है, जिसे आप ऑर्गेनिक में यूज करते हो, ये दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, और इस मिक्सिंग की वजह से एक्चुअल में एसिटाइलिन का जो ओवरऑल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ये ओवरऑल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिलेंड्रिकल हो जाता है, ये मिक्स होकर 360 डिग्री में चला जाता है। तो ओवरऑल आप लोगों का जो ये दो पी एक्स एंड पी वाई वाला पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इस तरह से मिक्स होकर सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाता है। तो प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। अगले हाइब्रिडाइजेशन पे चलते हैं, sp2 पे। स्क्रीनशॉट हो गया हो तो, या नोट आप लोगों ने कर लिया हो तो। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नाम से दिख रहा है, एक s दो p के साथ मिक्स होगा। किन किन दो p के साथ मिक्स होगा ये डिपेंड करता है। तो आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा, 1s होंगे और 2p होंगे, दोनों मिक्स, तीनों मिक्स होके 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे। कितने बनेंगे, 3। ठीक, ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, इनका स्पेस अरेंजमेंट आप लोग पहले से ही जानते हो। तो इनका स्पेस अरेंजमेंट कैसा होगा, ये ऑर्बिटल 120 डिग्री पे कुछ इस तरह से सेटल होंगे कि इन सब को मिलाने पे एक ट्रायंगल बनता हो, और इस ट्रायंगल में एंगल्स कितने होते हों, 120 एंगल्स होते हों। चलिए इसके प्यारे प्यारे एग्जांपल करना शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ BH3। कैसे काम करना है, सबसे पहले एक मॉलिक्यूल का क्या बना लीजिए, एक लुईस स्ट्रक्चर बना लीजिए। आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है, बोरोन पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बना लीजिए, इससे ये बेनिफिट होता है कि पता चल जाएगा पाई बॉन्ड बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो कुल मिला के आप लोगों को दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दीजिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, और इसका मतलब जो sp2 1s2p जो भी हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब में इलेक्ट्रॉन है, जो अनहाइब्रिड रह जाएगा वो वैकेंट है, मतलब वो बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो देखिए, अब इसमें आप लोगों को सीधा सीधा क्या करना है, बोरोन पे आप लोगों को एक ट्राइंगल बना लेना है। इस ट्राइंगल पे ध्यान से देखना ये क्या हुआ, यदि कंसेप्चुअली समझना चाहो तो बोरोन ने अपने एस एंड पी को कुछ इस तरह से सेटल करके रख रखा है कि जो भी एटम नया इससे बॉन्ड बनाने के लिए आएगा वो एटलीस्ट एक दूसरे से स्पेस में 120 एंगल पे होगा।
इससे इनके बीच का मिनिमम रिपल्सन मिनिमम हो जाएगा। अब इस वाले बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल है हाइड्रोजन, क्योंकि कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता, तो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये बन गया। ऐसे ही दूसरा सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना दीजिए, ये हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ऐसे तीसरा हाइड्रोजन जो है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना देगा। कुल मिला के ये प्योर एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे एंगल जो हम कहते हैं उतने ही होते हैं, 120 एंगल। यदि आप लोग इनके एटम्स को प्यार से केवल प्योर न्यूक्लियस या एटम्स पे फोकस करोगे तो आप लोगों को एग्जैक्टली ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री मिलेगी। तो ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री, ये है इसकी जियोमेट्री। अब एक और प्यारा एग्जांपल आप लोगों को कराता हूं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है ये है C2H4। C2H4 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लीजिए, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, कुल मिला के एक कार्बन पे आप लोगों को 3 सिग्मा मिलेंगे। सारा सम मत कर दीजिए, है ना, हर एक कार्बन का अपना हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। हमने ये नहीं पढ़ा था मोलिक्यूल के सभी ऑर्बिटल मिलके हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, हमने पढ़ा था एक ही एटम के नियरली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और ये हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। इस कार्बन का भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन का भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो जग जाहिर है, सब जानते हैं, 2s2 2p2, मतलब इसमें हर एक ऑर्बिटल में 4 ऑर्बिटल होते हैं वैलेंस शेल में, सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे 3 और एक बच जाएगा, px py pz में से कोई एक अनहाइब्रिड बच जाएगा, और उस अनहाइब्रिड को भी बॉन्ड बनाना पड़ेगा क्योंकि उसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन पे किसी एक कार्बन को उठाइए, सिंपल सा सोचिए, इस पे ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री है, और ऑब्वियसली दूसरे वाले पे भी ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री है क्योंकि दूसरा भी sp2 है। गारंटी नहीं है सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp2, एक कार्बन sp हो सकता है, दूसरा sp3 हो सकता है, एक sp2 एक sp2 कैसे भी हो सकता है। यदि आप लोग इन ऑर्बिटल्स को समझते हो तो इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा और सिग्मा बॉन्ड बना देगा, ये sp2s ओवरलैपिंग होगी, यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा, ऐसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन sp2s ओवरलैपिंग के थ्रू बॉन्ड बनाएगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन एटम, तो ये तो इनकी पिक्चर होगी क्लियर कि यहाँ हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे, हर एक में ओवरलैपिंग का टाइप भी सेम होगा, sp2s ओवरलैपिंग। और ये जो कार्बन कार्बन में बीच का जो आप लोग देख पा रहे हो, ये जो बनेगा ये भी sp2 ओवरलैपिंग वाला एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, कुल मिला के इस तरह की बॉन्डिंग जो जनरल बॉन्डिंग हम सीखते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्डिंग सीखते हैं। अब अज्यूम दैट इट इज px हो, py हो, pz हो, कोई सा भी हो सकता है। इस कार्बन का एक px सो रहा था जब बॉन्डिंग हो रही थी, जब हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था, ये जागा, होश में आया, इसके वाला भी होश में आया, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, भैया आप क्या करें। तो ये बोला, भैया देखो कुछ नहीं, अब आपस में ही कोई जुगाड़ बना लो, ये दोनों मिलके एक पार्शियल ओवरलैपिंग के थ्रू एक पाई बॉन्ड बना लेते हैं, इट इज C2H4 ईथीन। प्यारे बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया होगा, चलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp3 मतलब 1s3p आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म 4sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। स्पेस अरेंजमेंट आप लोग जानते ही हो, टेट्राहेड्रली ये अरेंज्ड होते हैं, इस तरह से आप लोग जो है एक ट्राइपोड बना लीजिए, एक ट्राइपोड के स्टैंड पे 3 ऑर्बिटल लगा दीजिएगा यूं, और ऐसे ही एक ट्राइपोड स्टैंड पे ऊपर एक ऑर्बिटल रख दीजिए कैमरे की जगह, ठीक। ऐसे ही आप लोग जानते हो यहाँ पे आप लोगों को एंगल कितना मिलेगा, 109 degree 28 minute हर एक एंगल, और ऐसे टोटल 6 एंगल्स होते हैं। इसे समझाता हूँ थोड़ा डिटेल में, आप लोग जानते हो ये इसका स्ट्रक्चर है। आप लोग इसे वेज फ्लाइंग बनाना चाहो, मतलब इसे
3D में रिप्रेजेंट करना चाहो तो भी आप लोग कर सकते हो। जैसे ये डॉट 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 मतलब अंदर की तरफ, और इसे क्या कर दो बाहर की तरफ, इसे मतलब बना दो मोटी सी लाइन, दिख रहा है बाहर की तरफ अंदर की तरफ। देखो यदि ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो आप लोग बॉन्ड देख रहे हो, इससे यहाँ पे आओ, इससे यहाँ पे आओ और इससे यहाँ पे आओ, तीन 109 डिग्री एंगल दिख रहे होंगे, ऐसे इन दो के बीच का, ऐसे इन दो के बीच का, और ऐसे ही इसके और इसके बीच का, टोटल मैंने 6 के 6 दिखा दिए प्यारे बच्चों। तो ये सभी के सभी एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं, ये आप लोग याद रख सकते हो, 109 डिग्री 28 मिनट, सारे के सारे है ना, सभी के सभी एंगल आप लोगों को तो छोटे बड़े कैसे भी दिख रहे हो, ये सब एक जैसे ही होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका प्योर एग्जाम्पल, और इसका सबसे पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ CH4 मीथेन। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लीजिए, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आप लोग जो है वो देख लीजिए कितने सिग्मा बॉन्ड है, इससे आप लोग फाइंड आउट कर लीजिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। कार्बन पे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह से सेटल होंगे कि ये स्पेस में एक टेट्राहेड्रल जियोमेट्री बना दें, और हर एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल पे, हर एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल पे कौन आके जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन आके जुड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड, 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 कुल मिला के मेरे प्यारे देशवासियों आप लोग समझ गए होंगे कि ये आप लोगों को एक जियोमेट्री मिल गई टेट्राहेड्रल। किस तरह की ओवरलैपिंग है, तो ये है sp3 s ओवरलैपिंग, हर जगह आप लोगों को सेम मिलेगा। यदि आप सिर्फ एटम्स को देखते हो तो आप लोगों को दिख रहा है, इन सभी को यदि आप लोग ज्वाइन करते हो तो इन सबको ज्वाइन करने पे आप लोगों को एक जियोमेट्री मिलेगी, एंड दिस जियोमेट्री इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। तो ये था CH4, एक बढ़िया एग्जांपल कराता हूँ आप लोगों को, और ये बढ़िया एग्जांपल है SO4-2। अब SO4-2 का सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर बना लीजिए आप लोग। तो लुईस स्ट्रक्चर आप लोग जानते हो, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक। अब सेंट्रल एटम पे आप लोगों को दिख रहा है कोई लोन पेयर नहीं है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। सल्फर का यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ऑर्बिटल्स बनाना रहने दीजिए एक बार आप लोग, तो सिर्फ ये देखिए कि यहाँ पे 4 टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट वाले sp3 ऑर्बिटल सल्फर पे निकले हुए हैं। यदि आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को दिख जाएगा कि हर एक ऑक्सीजन पे, यहाँ पे ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर है, इस वाले ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है। तो ये वाला ऑक्सीजन जो है ये sp2 है प्यारों, और ये वाला ऑक्सीजन जो नेगेटिव है वो sp3 है। तो सबसे पहले नेगेटिव ऑक्सीजन लगाते हैं। नेगेटिव ऑक्सीजन का मतलब है ये यहाँ पर एक्सियल ओवरलैपिंग से एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इस पे 3 लोन पेयर लगे होंगे प्यारे बच्चों, यदि आप जानते हो तो। यदि ये sp3 है तो तीनों लोन पेयर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में अरेंज होंगे, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन। सेम ऐसा ही आप लोग किसी एक कोर ले लीजिए, जैसे ये वाला ऑक्सीजन आप लोगों ने ले लिया, इस पे 3 लोन पेयर बना दीजिए, और इस पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे भी आप लोग जानते हो ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हुई है, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है। ऐसे ही जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो sp2 है, तो ऑब्वियसली इसके लोन पेयर ट्राइंगल पे जुड़े होंगे, मतलब यहाँ से ये एंगल 120 होगा, और यहाँ पे वही सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ऐसे ये वाला ऑक्सीजन जो है ये भी sp2 है, क्योंकि ये भी डबल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे भी लोन पेयर है, और इसने भी सिंगल बॉन्ड बना रखा है अभी अभी, तो सिंगल बॉन्ड मैंने बना दिए सारे। अब कोई पूछे इनमें ओवरलैपिंग का टाइप क्या है, तो आप लोग आराम से बता दोगे sp3 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 sp2 sp3 sp2 sp3, एटम पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे, तो सल्फर पे जाइए, तो सल्फर पे 3s2 3p4 कॉन्फ़िगरेशन होता है। यदि आप लोग ध्यान से देखोगे तो सल्फर पे सभी के सभी जो पी ऑर्बिटल एंड एस ऑर्बिटल हैं ये सब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं।
तो पता है ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये एक्साइट होके कहाँ जाते हैं, डी में जाते हैं। इसका मतलब 3D ऑर्बिटल क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो एस में, एस का जो डी ऑर्बिटल है वो एक्चुअल में इस पी ऑर्बिटल के साथ, ध्यान से देखना बहुत डिटेल में मत जाना, इसका डी कोई सा भी डी ले लेना, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई जो भी आपका मन करे, इसका सल्फर का डी और ऑक्सीजन का पी, तो इसे कहते हैं पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग और ये बन गया पाई बॉन्ड। तो एसओ फोर माइनस टू में ऑक्सीजन एंड सल्फर के बीच में सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ, डी ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ, पी ऑर्बिटल। क्योंकि यदि आप ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन जब sp2 है, मैं पहले ही डिफाइन कर देता हूं, आप लोगों को अलग से लिख देता हूं, ये sp2 ऑक्सीजन है। यदि आप ध्यान से देखोगे तो जिस जिस पे डबल बॉन्ड बना हुआ ये sp2 है, ये आप लोग देख रहे हो sp3 है, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये भी sp3 ऑक्सीजन है। तो जिन पे मैंने बना रखे हैं तीन तीन लोन पेयर, ये sp3 ऑक्सीजन है प्यारे बच्चों, ऐसे ये भी sp3 ऑक्सीजन है। आउटपुट हो गया हो तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो सीख जाओगे। अब सल्फर पे, क्योंकि sp सभी के सभी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो अनहाइब्रिड कौन बचा, डी। ऐसे ही यदि आप लोग देखोगे तो इसी सल्फर का एक अनोदर डी, इसी सल्फर का वो डी जो कि इस पी के, मान लेते हैं ये पी एक्स है, तो एक्स एक्सिस पे जो डी होगा वो इससे ओवरलैप करेगा, और यदि वो ये जेड एक्सिस है तो सल्फर का जेड एक्सिस वाला इससे ओवरलैप करेगा। तो सल्फर का डी आया और ऑक्सीजन का कौन सा था, पी, तो ये बॉन्ड भी कैसा होगा, डी पाई पी पाई बॉन्ड होगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया होगा, एक बार फिर से प्यार से देख लेते हैं, थोड़ा सा ये मिक्स सा हो गया है। फिर भी sp3 सिंपली आप लोग देख रहे थे CH4 में तो आसान था, जैसे आप सल्फेट में गए तो सल्फर ने, आप लोग एक बार और यहाँ पे थोड़ा सा एक और रिवीजन कर लीजिए, सल्फर ने एक पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन से बना रखा है, एक पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन से बना रखा है। जिन जिन से पाई बॉन्ड बना रखा है उन पे दो दो लोन पेयर हैं, और जिन से सिंगल बॉन्ड बना रखा है उन पर 3 लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज है। यदि आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, तो ये सिग्मा बॉन्ड हैं, इनको तो हम पहले से ही जानते हैं। बात है पाई बॉन्ड की, तो ये जो पाई बॉन्ड बना है प्यारे बच्चों, इसमें सल्फर का डी पाई और ऑक्सीजन का पी पाई, ऐसे इस वाले पाई बॉन्ड में भी सल्फर का डी पाई ऑक्सीजन का पी पाई ओवरलैपिंग हुई है ये पार्शियल बॉन्ड बनाने में। इस सल्फर का सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 है, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इस ऑक्सीजन का sp2 है। आप लोग अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हो सबके लिए, ये sp3 है और ये भी sp3 है। प्यारे बच्चों समझ में तो आ ही रहा होगा, थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आए तो एक बार रिवाइज करके देख लेना, एक से दो बार में आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लोगों को ले लेना है जल्दी से ही। तो चलिए नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है, इसी पे हम बहुत एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। एक s, 3p और एक d मिलकर टोटल 5 sp3d ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो आप लोग जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1s। अब ये शेप वेप जो है ये ऑर्बिटल बनाना छोड़ देते हैं, 1s 3p 1d, ये नंबर है। एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, 1d ऑर्बिटल आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म 5sp3 ऑर्बिटल्स। इनका स्पेस अरेंजमेंट जो है वो आप लोग जानते ही हो, ये एक ट्राइंगल पे इस तरह से, एक सेंट्रल एटम पे, एक ट्राइंगल पे, और इस ट्राइंगल से जस्ट ऊपर एवं नीचे की तरफ इस तरह से। ये एंगल आप लोग जानते हो, ये एंगल ऑब्वियसली प्लेन के साथ 90 होगा, अंदर के एंगल 120 डिग्री होते हैं। चलिए एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल ले लेते हैं PF5, PF5 या PCl5 में से कोई सा ले लीजिए। सेंट्रल आइटम है फॉस्फोरस। सबसे पहले आप लोगों को पता ही है, सबसे पहला स्टेप क्या उठाएं, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें, चाहे जिस भी मेथड से आप लोग कैलकुलेट करते हो, सेंट्रल आइटम का हाइब्रिडाइजेशन आप लोग कैलकुलेट कर लें। 5 सिग्मा बॉन्ड, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। अब आप लोग क्या करें, सेंट्रल एटम को, अब ऑर्बिटल्स बनाना छोड़ दें क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, नहीं तो सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस पे
हमें 5 आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स बनाने हैं। तो जो ये एक ट्राइंगल लेना है और एक ऊपर और एक नीचे, प्लेन से बाहर की तरफ आप लोगों को बना देने हैं। अब आप लोग जानते हो ये हर एक ऑर्बिटल sp3d ऑर्बिटल है। फ्लोरीन पे यदि आप देखोगे तो 3 लोन पेयर होते हैं, मींस ईच फ्लोरीन इज sp3। तो हर एक फ्लोरीन का sp3 ऑर्बिटल और बचे हुए 3 लोन पेयर टेट्राहेड्रली अरेंज रहेंगे। ये इनकी जियोमेट्री है अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फ्लोरीन। अब यहाँ क्या होगा, इस फॉस्फोरस का sp3d और इस फ्लोरीन का sp3 मिक्स होंगे, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इस सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग कौन सी होगी, sp3d sp3 ओवरलैपिंग। अब प्यारे बच्चों, अब सेम ओवरलैपिंग हर जगह होगी, यहाँ फ्लोरीन बाकी सब जगहों पे मैं सीधा लिख रहा हूँ, सेम इज वैलिड फॉर ऑल ऑफ बॉन्ड्स। एंगल आप लोगों को भी दिख रहा है, ये एंगल 120 डिग्री होंगे। यदि आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो 90 डिग्री एंगल होंगे। 90 डिग्री, ये इसके साथ भी 90, इसके साथ भी 90। आप इसको अलग से बना के भी समझ सकते हो कि एक फॉस्फोरस बना लीजिए और इस पे क्या बना दीजिए ये। अब देखिए आप लोग इस वाले एंगल को इससे देख लो, इस वाले एंगल को इससे, इससे और इससे, सबसे कंपेयर कर लो प्यारे बच्चों। ये 6 एंगल होंगे ऐसे, आप इसे इससे कंपेयर कर लो, इससे कंपेयर कर लो, इससे कंपेयर कर लो, 6 एंगल होंगे। तो 3 1 2 3 1 2 3 टोटल 690 एंगल होंगे। 1 2 3 ट्राइंगल के अंदर के 3 120 होंगे। तो मैं यही लिख देता हूँ, 690 डिग्री एंगल होते हैं इस जियोमेट्री में, 3 120 डिग्री एंगल होते हैं इस जियोमेट्री में, यदि आप लोग जानते हो तो। इसे TBP ट्राइगोनल बाईपिरामिडल जियोमेट्री कहते हैं। एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल करते हैं, और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं XeOF4। सबसे पहले वही लुईस स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिए, ऑक्सीजन, फिर 4 फ्लोरीन लगा दीजिए, और 4 फ्लोरीन लगाने के बाद भी जिनोन पे एक लोन पेयर बच जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन देखो, 1 2 3 4 5 6, सिक्स हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो रुकिए, हम इसे चेंज कर देते हैं, आप लोग भी क्या याद रखोगे, IOF4 बना देते हैं। IOF4 की बजाय अब मैं कर देता हूँ IOF3। IOF3 नया कंपाउंड ले लेते हैं, ये पुराने वाले में दिक्कत थी। आयोडीन सेंट्रल आइटम बना दीजिए, 3 और 2 5 बॉन्ड बना दीजिए, एक लोन पेयर बच जाएगा। तो ये है आयोडीन, बस इतना सा चेंज करना है, और एक फ्लोरीन को आप लोगों को हटा देना है। एक बाई चांस वो गलत एग्जांपल ले लिया था, IOF3 एक एग्जांपल मैंने लिया है। आयोडीन पे एक ऑक्सीजन, 3 फ्लोरीन 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो हमने तो बचपन से जो पढ़ा है हम उसी को अप्लाई करेंगे भैया। तो ये है मिस्टर आयोडीन, और ये जो है आप लोगों को क्या मिल गए हैं, ये आप लोगों को कुछ बॉन्ड्स मिल गए हैं। अब यदि आप लोग देख रहे होंगे तो अब आयोडीन पे आप लोगों को एक लोन पेयर लगाना है। लोन पेयर कहाँ लगाते हैं ये मैं आप लोगों को VSEPR में सिखाऊंगा, अभी तो आप लोग इसे लगा दीजिए ट्राइंगल पे, ठीक। अब आप लोग क्या करिए, इस फ्लोरीन एटम को यहाँ जोड़ दीजिए, फ्लोरीन एटम को यहाँ जोड़ दीजिए, और हमें एक पाई बॉन्ड सीखना है। सीधी सी बात है, हमें एक पाई बॉन्ड सीखना है। तो अब इस ऑक्सीजन एटम पे फोकस करिए, इस ऑक्सीजन एटम पे 2 लोन पेयर हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इसके 2 लोन पेयर आप लोग बना दीजिए। अब आराम से आप लोग समझिए, सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है, इसका sp3d और इसका sp2, लेकिन इनके बीच में एक पाई बॉन्ड बनेगा। यदि आप लोग पाई बॉन्ड देखना चाहते हो तो ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा, पी क्यू होगा। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p4, तो ऑब्वियसली इस पे कौन सा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है फॉर हाइब्रिडाइजेशन, तो sp2 में 3 तो यूज हो गए, तो ऑब्वियसली एक पी बचा है जो अनहाइब्रिड है। तो ये तो है 2p ऑर्बिटल। आयोडीन पे चलिए, तो आयोडीन का तो बेचारे का हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, डी तक जा चुके हो आप लोग। तो अब यदि आप डी पे आ चुके हो तो अब आपके पास वैकेंट क्या है, एस और पी तो है ही नहीं, या फिर वैकेंट मतलब जो अनहाइब्रिड, वैकेंट नहीं सॉरी अनहाइब्रिड क्या है। तो
तो इस पे जो ऑर्बिटल इसके सामने होगा, इसकी तरफ होगा, जो इसके साथ ओवरलैप करने के लायक होगा, वो ऑब्वियसली डी ऑर्बिटल होगा। कौन सा डी ऑर्बिटल होगा? यदि ये डी होगा तो ये ऑब्वियसली डी के साथ ओवरलैप करेगा, तो ये पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग करता है। अब मैं एक बेहद इंपॉर्टेंट नीट वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो प्यारे बच्चों इस नीट वाले क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लेना। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है sp3d के लिए कि डी ऑर्बिटल, ध्यान से इसे नोट कर लेना, डी ऑर्बिटल यूज्ड इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा डी ऑर्बिटल यूज होता है? देखिए आप लोग जानते हो कि यहाँ पर ये एक एक्सियल बॉन्ड बढ़ रहा है, और जो एक्सियल जो प्लेन से जस्ट परपेंडिकुलर होता है वो जेड एक्सिस होता है। तो आप लोगों को इसका आंसर याद रखना है डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर एक्चुअल में वो ऑर्बिटल है जो sp3d में यूज होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे आप लोग कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है, 3d या सॉरी ND जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर यूज होता है sp3d में। ठीक आगे sp3d2 में जो आएगा वो sp3d2 में बता दूंगा, तो आप इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पे हम लोग आ चुके हैं। एक बात आप लोगों को मैं बता दूं, जब तक सेंट्रल एटम पे प्योर सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कोई पाई बॉन्ड या लोन पेयर नहीं है, तब तक सब रेगुलर रहता है, बॉन्ड एंगल भी वही रहते हैं जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जैसे लोन पेयर और पाई बॉन्ड आते हैं, सब बिगड़ जाता है। ये कितना बिगड़ जाता है ये हाइब्रिडाइजेशन के बाद में हम लोग सीखेंगे VACPR में। तो अभी तो आप लोग फोकस करिए रेगुलर जियोमेट्रीज पे। तो sp3d2 में आप लोग जानते हो एक एस ऑर्बिटल, वन एस ऑर्बिटल, थ्री पी ऑर्बिटल्स, थ्री पी ऑर्बिटल्स एंड प्लस टू डी ऑर्बिटल्स। टू डी ऑर्बिटल्स आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हमारी थ्योरी कहती है सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आइडेंटिकल होते हैं, तो 6 नए ऑर्बिटल बनते हैं। यहाँ पे कौन से डी ऑर्बिटल यूज होते हैं, मैं पहले यहाँ पे लिखवा देता हूँ। डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। प्यारे बच्चों क्योंकि इसके सभी के सभी बॉन्ड एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पे होते हैं, और ये सभी इलेक्ट्रॉन भी एक्स एंड वाई एक्सिस पे होते हैं, इनका स्पेस अरेंजमेंट कैसा होता है, तो आप लोग जानते हो एक सेंट्रल एटम को बीच में जोड़ दीजिए, सभी ऑर्बिटल्स एक स्क्वायर पे चारों तरफ, स्क्वायर से ऊपर की तरफ एवं स्क्वायर से नीचे की तरफ, और सभी के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, चाहे आप कोई सा भी ले लें। इसका सबसे प्योर एंड प्यारा एग्जाम्पल है SF6। वही आपका सिस्टम हमेशा एक जैसा ही है। सबसे पहले इसका लुईस स्ट्रक्चर बना लीजिए। लुईस स्ट्रक्चर आप लोग जब बना देंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस पे 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और 6 सिग्मा बॉन्ड मतलब 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। sp3d2 स्क्वायर बना दीजिए, स्क्वायर पे एक सल्फर बना दीजिए, और सल्फर पे प्यार से सभी तरफ फ्लोरीन 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 जोड़ दीजिए। ये बन गए हैं अपने मिस्टर SF6। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल था, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था। इसी में आप लोगों को मैं नेक्स्ट बताता हूँ, इसी में और एग्जाम्पल नहीं करेंगे क्योंकि पाई बॉन्ड लोन पेयर वाले एग्जाम्पल्स के लिए बहुत टाइम है, बहुत थ्योरीज आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं। आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, मैं आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन के इतने मॉडिफिकेशंस पढ़ाऊंगा तो आप लोगों की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और पता है वो लिमिटेशन, हर एक लिमिटेशन हर एक नई थ्योरी को इन्वेंट करती है। इतनी थ्योरीज है, इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग में आपको अकल ठिकाने आएगी, फिर आपको लगेगा हाँ आप लोगों ने पढ़ा है कि बैक बॉन्डिंग क्यों है, रेजोनेंस क्या है ना, क्या रियली एंगल कोई चेंज होगा तो कितना होगा, डिस्टेंस चेंज होगी तो कितनी होगी, क्या सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल आइडेंटिकल है या नहीं है। तो केमिकल बॉन्डिंग सीरीज को भैया लगातार देखते रहना, और बहुत शानदार सीरीज रहने वाली, बहुत शानदार, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। मेहनत लगेगी
थोड़ा बोरिंग लगेगा, बीच बीच में जो है गाने यहाँ नहीं चलते हैं और कोई ठुमक ठुमक के नाचता नहीं है, लेकिन फिर भी ये काम की चीज़ है क्योंकि आप लोगों को तगड़ा स्कोर करना है, आप लोगों को ऑप्टिमम लेवल पे लेके जाना है अपने आप को, तो फिर लगे रहना पड़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी बातें ज्ञान की बातें बाद में। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं, SP3D3। तो प्यारे बच्चों अंतिम हाइब्रिडाइजेशन पे हम लोग आ चुके हैं, SP3D3 हाइब्रिडाइजेशन, 1s 3p 3d ऑर्बिटल्स मिक्स होकर 7sp3d3 ऑर्बिटल्स बनाते हैं जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये सब के सब ऑर्बिटल्स एक्चुअल में स्पेस में पेंटागन बनाते हैं और इस पेंटागन के सेंटर पे लगा होता है सेंट्रल एटम। सभी पेंटागन के एक्सियल बॉन्ड्स में एंगल होते हैं, कितने एंगल होते हैं, 72, और इसके ऊपर और नीचे की तरफ भी एक एक बॉन्ड निकला रहता है। और यहाँ से एंगल ऑब्वियसली कितना होगा, 90 डिग्री होगा क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। यहाँ कौन से डी यूज़ होते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है बहुत सारी टेस्ट सीरीज में। तो प्यारे बच्चों ये आप लोग यूँ मानिए, देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यदि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को लेंगे तो ये सभी बॉन्ड आप लोगों को एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में दिख रहे होंगे। तो बीच में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये वो जगह है प्यारे बच्चों जहाँ पे ये ऑर्बिटल होते हैं। इसलिए इस वाले हाइब्रिडाइजेशन में जब SP3D3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। एग्जाम्पल है IF7, IF7 का लुइस्ट डॉट स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिए, बहुत जोर आ रहा होगा, बहुत थक गए होंगे। अरे देखिए आप लोग, एक बूढ़ा आदमी तब से लगा हुआ है ना, तो मैंने 2003 में 12th की थी, तो आप सोचिए कि मैं आप लोगों से कितना बुजुर्ग हूँ। तो प्यारे बच्चों 2003 में आप में से कहीं पैदा तक नहीं हुए होंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब मैं इतनी एनर्जी से लगा हुआ हूँ और आप लोगों को मैं टाइम दिखाऊंगा तो आप लोग देखेंगे, देखिए 12 बजने के हैं, ये रात का होता है जो भी टाइम होता है क्योंकि मैं दिन में शूटिंग नहीं करता। तो प्यारे बच्चों सभी सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो आप लोग देख पा रहे हैं, मतलब आप लोगों को बहुत मेहनती बनना है, बहुत आग लगानी है यदि आप लोगों को हासिल करना है, यदि इंसानों वाला जीवन जीना है तो आप लोगों में अंदर गजब का एक्साइटमेंट होना चाहिए, गजब की पावर होनी चाहिए अंदर से। बाहर से दुनिया की कोई ताकत आपको मोटिवेट नहीं कर सकती, आप किसी को देखकर नहीं दौड़ सकते, दौड़ने के लिए जो अंदर से आग निकल के आती है वही आप लोगों को रेस का क्या बनाती है, विनर बनाती है। तो यदि आप लोगों को इंसान जैसा जीवन जीना है, यदि आप लोगों को कुछ हासिल करना है, इसी जीवन में कुछ करके जाना है, तो अंदर की आग को जगाइए, लग जाइए, रोकिए मत अपने आप को, कहीं भी सुनिए मत, लोग डिमोरलाइज करेंगे। अपनी सराउंडिंग सारी सिर्फ एक काम करती है रोकने का, लोग रोकने का काम करते हैं। लोग मेरे को भी रोजाना दिन में कम से कम एक या दो कोई ना कोई पक्का ऐसा होता है जो आके ऐसे कहता है कि यार तू काय कर रहा है ये सब, लेकिन देखिए ये हम हैं जो हमारे लिए सोचते हैं और हमारे से बेहतर हमें कोई नहीं जानता, तो दूसरों की सुनना बंद है ना, आज से ही आग लगा दीजिए। और इंसानों जैसा जीवन नहीं जीना, कीड़ों मकोड़ों जैसा जीवन जीना है, खाए पिए मर गए ठीक है तो जियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्यारे बच्चों पूरी ताकत लगा दीजिए, झोंक दीजिए, प्रूफ कर दीजिए कि आप दुनिया के सबसे ब्रिलियंट पर्सन है और आपकी मेहनत बोलेगी, आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी। प्यारे बच्चों हाइब्रिडाइजेशन SP3D3 है क्योंकि 7 ऑर्बिटल्स थे। अब लोग आप लोग देख रहे होंगे कि एक्चुअल में ये जो पेंटागन है, इस पेंटागन के सेंटर में एक आयोडीन है, ये आयोडीन SP3D3 ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल कर रहा है। हर एक फ्लोरीन SP3 है, तो यहाँ से एक पेंटागन से ऊपर की तरफ बॉन्ड है, एक नीचे की तरफ बॉन्ड है। आप लोग यदि जानते हो तो ये एंगल 72 डिग्री एंगल है, यदि आप लोग समझ पा रहे हो तो ये एंगल 90 डिग्री एंगल है, मतलब ये इस तरह से है ना, ये ऊपर है तो हर एक पेंटागन के हर एक के साथ क्या होगा, 90 एंगल होगा। यहाँ सभी जगहों पे फ्लोरीन लगा हुआ है। और अब आप लोग यूँ देखिए, ध्यान से देखिए, तो फ्लोरीन हर जगह SP3 है क्योंकि SP3 लोन पेयर है, किसी एक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये जो ओवरलैपिंग होगी ये कौन सी होगी, इसका होगा SP3D2 और उधर वाले का होगा SP3। तो मैं इसे थोड़ा सा जूम करके लिख देता हूँ, जूम, SP3D3 SP3 ओवरलैपिंग यहाँ पे होगी। जियोमेट्री क्या होगी, तो जियोमेट्री तो हमें दूर से ही दिख रही है, पेंटागोनल बाई
पिरामिडल, पेंटा, इसे भी मैं पूरा लिख देता हूँ, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को सारी कहानी क्लियर हो गई है। मैंने सारे टाइप के हाइब्रिडाइजेशन के बढ़िया प्योर प्योर एग्जांपल करवा दिए हैं। बीच में एक दो कॉम्प्लेक्स एग्जांपल आए थे, यदि वो थोड़े कम भी समझ में आए तो चलेगा, वो भी चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि वो आगे बहुत डिटेल में आएंगे। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा प्यारे बच्चों। अब आप लोग यूँ मानिए कि हाइब्रिडाइजेशन ये रियल चैप्टर शुरू होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो गया है, अब रियल चैप्टर शुरू होगा, अब रियल कंसेप्चुअल पार्ट शुरू होगा, और आगे वाला पार्ट ही लोग नहीं पढ़ते हैं। यहाँ तक तो ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, यहाँ तक तो ज़्यादातर लोगों को समझ में आता है। इससे आगे की कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इस हाइब्रिडाइजेशन में जो हमने सीखा इसमें बहुत समस्याएँ हैं, तो इन समस्याओं का समाधान बहुत सारी थ्योरीज ने मिल के किया, तो इसे मिस मत करना। आगे का कोई भी एक सिंगल लेक्चर भी मिस करोगे तो आप लोगों को बहुत कम समझ में आएगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। और यदि एक बार केमिकल बॉन्डिंग पे इन्वेस्ट कर दिया तो आप ताउम्र हमेशा केमिस्ट्री में फोड़ वाले इंसान होगे, तकड़े वाले। केमिस्ट्री का स्कोर आप लोगों का मतलब 182-175 रहेगा, और यदि आप चीट एस्पिरेंट हो तो 120 में 115 स्कोर आप लोग लेके आओगे, मैं पक्का कह रहा हूँ। बस आप लोग बने रहिए, अपने जोश को बरकरार रखिए, लोगों की सुनना बंद करिए, सराउंडिंग से मत पूछिए, दूसरों से मत पूछिए कि मैं क्या करूँ, मत ढूंढिए ट्रिक क्या है, मत ढूंढिए इंपॉर्टेंट क्या है, लग जाइए और लग जाइए, बस एक लक्ष्य लग जाइए, है ना। तो प्यारे बच्चों, इतने ही जोश के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।